शेफाली जरीवाला और आसिम रियाज के बीच जो कुछ हुआ उसकी चर्चा बंद होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से शेफाली ने आसिम पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाया और फिर आसिम ने शेफाली के पति को नल्ला बोला, उस तरह से लोगों ने मान लिया है कि शेफाली ने ये सब आसिम को बदनाम करने के लिए किया और इसलिए लोगों ने उनके इस घटिया आरोपों को गलत बताया। वहीं आरती सिंह ने इसके बीच हुए पूरे मामले को बताया, बेशक हम किसी और पर यकीन नहीं करते लेकिन आरती इन लोगों के बीच करीब 2-3 महीने रही तो कहीं ना कहीं उनकी बात में कोई राज तो छिपा है। जब आरती से शेफाली और आसिम के बारे में पूछा गया तो पहले तो वो घबराती थी कि और वो इस मामले में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं इस ग्रुप में गई ही नहीं। आरती ने बताया कि शेफाली, आसिम और हिमांशी का एक अलग ही ग्रुप था लेकिन मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। अब आरती ऐसा क्या छिपा रही है जो इनके बारे में जानते हुए भी नहीं बता पाई। हालांकि आरती चाहती तो इनकी तारीफ भी कर सकती थी लेकिन आरती ने शेफाली और आसिम किसी की भी तारीफ तक नहीं की। आरती ने बताया कि जब शेफाली बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई थी तभी मेरे और उनके बीच कुछ बात हुई थी, बाकी नॉर्मल बात ही होती थी। ये तीनों अपने ही ग्रुप में मस्त रहते थे। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आरती को किस बात का डर है जो वो कुछ कहने से भी मुंह नहीं खोल रही है। तो शेफाली और आसिम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सच में शेफाली ने आसिम को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाया? मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।